नमस्कार विद्यार्थियों, ये प्रश्न बैंक शासकीय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से आया है, जिसमें कक्षा 10 के सभी विषयों के पेपर दिए गए हैं। और इनमें से आपका कक्षा 10 का इस बार का जो पेपर होना है, इसी में से उसके क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में आने हैं। तो इसके जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आज कुछ समझाऊंगा, करके बताऊंगा, और रोज़ 10-10-20 क्वेश्चन करके तो 5 दिन के अंदर मैं आपकी ये कंप्लीट करा दूंगा। अभी ग्रामर का सेक्शन लेके चलेंगे, पहले ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डूएज डायरेक्टेड और उसके बाद आगे की चीज़। ग्रामर का सेक्शन जो कि सभी को बहुत टफ लगता है, तो स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का प्रश्न बैंक। इसके आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही नोज द बॉय इन द ब्लैंक्स इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। ये कह रहा है कि वह जानता है उस लड़के को, किसको, जिसने पहनी हुई है कैसी शर्ट, ब्लू। तो उस लड़के के लिए क्या आएगा, हु। सेकंड है, हिज ब्रदर इज खालिस्तान आरजे इन आर लोकल रेडियो चैनल। अब आरजे के को जो अपन हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, आर जे मतलब आर, आ क्या है, बोबल्स, और बोबल्स छोटा आ से अम आह तक। इनसे हिंदी में लिखने पर पहले शब्द को जो आएगा उसको अनुसार अपन बोबल्स का यूज करेंगे। ऐसे आ आया है, जो बोबल्स आते हैं बोबल्स के लिए हमेशा क्या आता है, एन, और कॉन्सोनेंट के लिए ए, तो इसमें आएगा एन। अगला है, देयर इज नॉट खालिस्तान बॉर्डर इन द पोल। तो इसमें बिना देखे बस एक ही चीज़ देखना है, नॉट लगा है और एन ही है, तो हमेशा एन ही लगाना है, इसमें सोचना नहीं है। तीसरा है, ही हैज, ए हैज लगा है तो ये टेंस हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट या रिटर्न, रिटर्न, तो इसका आंसर होगा रिटर्न। तीसरा है, खालिस्तान आई टेक योर पेन। तो एक किसी से जब अपन कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए मे का यूज किया जाता है, मे आई टेक योर पेन। नेक्स्ट 5 अगले सेशन में कराऊंगा। धन्यवाद।